थोड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें और फिर ब्रेक लेंगे। पहले तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ये चीज क्या है, इसके अंदर चार पिलर रहते हैं। फर्स्ट कि हर एक व्यक्ति और हर एक फैमिली को बैंकिंग की सुविधा मिल जाए, मतलब ऐसा अकाउंट खुल जाए, ऐसा नहीं वो उसके नजदीकी इलाकों में कि वो पैसा जमा भी कर पाए ले भी पाए, ये सभी बात है। बैंकिंग की सुविधा मिलनी चाहिए, एक बात। सेकंड, इजी क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन में उसे पैसा आसानी से मिल जाए। थर्ड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बैंक में तो आप रखेंगे मैक्सिमम सेविंग अकाउंट हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे 9%, लेकिन उसके आगे भी कुछ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल न्यू पेंशन स्कीम है, ये ईपीएफओ वगैरह के जो प्लान चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी हर एक व्यक्ति को हर एक फैमिली को सुविधा दी जाए। एंड फोर्थ पिलर की इंश्योरेंस, दोनों टाइप का, लाइफ इंश्योरेंस भी और नॉन लाइफ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी किसान का क्रॉप इंश्योरेंस करवाए, उसके वो मवेशी है उसका इंश्योरेंस, कोई रिक्शा वगैरह चल रहा है तो फिर उसका व्हीकल इंश्योरेंस। तो ये चार पिलर्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब केवल बैंकिंग, सबके बैंक अकाउंट खोल दिए तो फाइनेंशियल नहीं, ये चार पिलर है, बैंकिंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। तो जब भी आप मुख्य परीक्षा में लिखे तो सिलेक्ट स्पेसिफिक ये बातें करिए। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत क्या है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ना हो तो क्या होगा। फर्स्ट, जब अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ जाए, मान लीजिए परिवार के मुखिया को ही अपाहिज हो गया, अचानक से मृत्यु हो गया, इंश्योरेंस कुछ इन्वेस्टमेंट करवाया नहीं, तो क्या होगा? फिर उसके बच्चों को स्कूल से उठा दिया जाएगा, चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसी प्रकार ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, पेटी क्राइम्स, ये सब फिर शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये किसी बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट रिंग में आपको अगर हमने नहीं कवर किया है। सेकंड, अगर बैंक से किसी व्यक्ति को लोन नहीं मिलेगा तो फिर वो जाएगा साहूकार के पास, मनी लेंडर के पास, और फिर वो पूरा डेब्ट ट्रैप और किसान के जो आत्महत्या, ये पूरा विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। जब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ना मिलती हो तो फिर ये गलत लोग अपनी पोंजी स्कीम, मल्टीलेयर मार्केटिंग, ये श्रद्धा चिट फंड स्कीम, इस प्रकार की समस्या है। जब आप उनको फॉर्मल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो इस प्रकार के लोग इन्हें अपनी तरफ ले जाएंगे और बेवकूफ बना के सारा पैसा हड़प कर लेंगे। ये जो लोग हैं, ये सारे लोग हैं जिन्होंने श्रद्धा चिट फंड के स्कैम के अंदर पैसा इनका खत्म हो गया, और ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि आप समझिए बंगाल के इलाके में फाइनेंशियल इंक्लूजन पहले से ही कम है, तो इनके पास पैसा था और ये श्रद्धा चिट फंड वालों ने आके थोड़े हथेली में चांद दिखा दिए कि इतने में ये डबल हो जाएगा ये वो, तो पूरे जो, और फिर पूरी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, चाइल्ड लेबर, ये पूरा साइकिल शुरू होता है। और ये बंगाल का है ऐसा नहीं, अपने गुजरात में ही अहमदाबाद में वो था अशोक जाडेजा, चुंदड़ी माता एकाधी, तो आप समझिए अहमदाबाद के अंदर भी, अहमदाबाद में तो कितनी बैंक ब्रांचेस वगैरह है, लेकिन फिर भी लोग जो बनाया जा रहा है, तो इस कारण से फाइनेंशियल इंक्लूजन की आवश्यकता है। तो जो अगर नहीं होगा तो ये सारी समस्याएं होंगी। अब देखते हैं अगर होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो क्या फायदे होंगे। फर्स्ट, लोग अपना पैसा बचाएंगे, वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, और वो सारा पैसा ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के मार्फत एक तो बिजनेसमैन को जाएगा, तो बिजनेस वो एक्सपांशन कर पाएगा, मतलब इनकी सेविंग उनके लिए कैपिटल बन जाएगी। सेकंड थिंग, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, ये सारे देश भी इन द 50s एंड 60s एरा, वो ऐसा तो नहीं है कि हाईफाई तब भी थे, तब वो भी पैरेलल जो चल रहे थे अपने, जैसे आज हम हैं, ये उनकी सिचुएशन थी इन द 50s एंड 60s, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जोर दिया, ब्रांच पेनिट्रेशन, ये लोगों को, स्मॉल बिजनेसमैन को लोन वगैरह दिलवाएंगे, उस कारण धीरे धीरे एक्सपांड होते होते आज वो कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो वो जो चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी समस्याएं नहीं होंगी, क्राइम नहीं होगा, जो ये टेररिस्ट और नक्सलवादी नौजवानों को अपनी तरफ खींच लाते हैं, अगर सबको मान लीजिए कुछ स्किल डेवलपमेंट और अगर लोन मिल गया और वो अपना वोकेशन में लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, उनको भी अब नए रिक्रूट नहीं मिलेंगे, सोशल हार्मनी बढ़ेगी, वीमेन एम्पावरमेंट होगा, ये अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, कुछ प्रोडक्ट बनाए, ये सब। और मैकिनली नाम की एक संस्था ने रिसर्च करके ये बोला है कि भारत के अंदर हम जितना भी पैसा ये सब्सिडी में देते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह में जो पगार दिया जाता है, तो ये सब अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली कर ले, मतलब कि सबके अकाउंट खोल के ये पैसा ट्रांसफर किया जाए, तो ये पूरा जो लीकेज और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर हमें 1,00,000 करोड़ रुपए की हर साल बचत हो जाएगी, ऐसा मैकिनली का बोलना है। तो नहीं होगा क्या समस्या होगी, पहली स्लाइड, जब होगा तो क्या सुविधाएं होंगी, ये वाली स्लाइड। तो जब आप मुख्य परीक्षा इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए कि ये जनधन योजना या ऐसा कुछ करने की क्या आवश्यकता है, एग्जामाइन द फैक्टर्स लीडिंग टू या वाई एनालाइज क्रिटिकली, तो ये सारे मुद्दे आप एक दो जोड़ के कुछ फ्रेम कर सकते हैं। जनधन योजना पे आते हैं,
पहला तो सवाल कि ये नया लाने की क्या जरूरत थी। नया लाए हैं तो मतलब कि पहले भी कुछ तो करते थे लेकिन वो फेल हुआ था। पहले क्या किया था और फेल हुआ? एक तो बैंक नेशनलाइजेशन किया गया, लेकिन वो कैसे फेल हुआ हमने वो देखा, एडमिनिस्ट्रेट प्राइस रेट और BRS पॉलिटिसाइजेशन वगैरह। सेकंड, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए, बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एजेंट BCA बनाया गया कि गांव के अंदर ही किसी रिटायर्ड टीचर या किराने वाले को वो एजेंट बना दिया बैंक ने, आपको लोन लेना है तो वो उसको कागज दीजिए, वो पूरा प्रोसेस करेगा, उसके पास वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल रहेगा जहाँ पे आपने अपना कार्ड वगैरह स्वैप करा के पैसा जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ये BCA सिस्टम लागू किया गया। फिर रूरल बैंक एरिया के अंदर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए एक स्वाभिमान स्कीम लागू किया। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर एक कंपोनेंट बनाया स्वावलंबन करके, कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं अगर वो चाहें तो NPS में ज्वाइन करें और वो जितना कंट्रीब्यूट करेंगे पैसा, सरकार अपनी तरफ से कुछ 2-4 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूट करती रहेगी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी बढ़ावा दिया गया, लेकिन उनकी समस्या हमने देखी कि वो खुद आपसे सेविंग या करंट अकाउंट वगैरह नहीं खुलवा सकते, कहीं और से उधारी में पैसा लाते हैं तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज वेरी हाई, 24% पे गरीब को मिलता है लोन। नो फ्रिल्स अकाउंट बनाए गए और 25% ये ग्रामीण इलाकों में आप ब्रांच खोलेगा वगैरह। फिर ये जो लेटेस्ट में चला अपना बंधन IDFC को लाइसेंस दिया है, भारतीय महिला बैंक आ गई वगैरह। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ये पहले भी अटेम्प्ट तो काफी सारे किए गए हैं, लेकिन सेंसस के मुताबिक ये बोलना है कि भारत की 49% फैमिली के पास कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं। सेकंड, ग्रामीण इलाकों में 55% दलित फैमिलीज, वो अभी भी उनको बैंक से लोन मिलता नहीं, वो किसी साहूकार के पास जाके अराउंड 34% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उस पर वो ब्याज पे पैसा ले रहे हैं। तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आपने बहुत सारी स्कीम वगैरह तो किया, बट वो कुछ इम्पैक्ट या असर दिखा नहीं। इस कारण से फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कुछ नया करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब कुछ इसके सेलियंट फीचर वगैरह याद करने पड़ेंगे, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 2 फॉल्स के लिए। इसे कौन लागू करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये ऊपर से पूरा मॉनिटर करता है। पिछले साल की 15 अगस्त को ये शुरू किया गया, जब मोदी ने वो प्रजासत्ताक दिन पे वो भाषण दिया, 15 अगस्त 2014। उस वक्त ये टारगेट था कि एक साल के अंदर 7.5 करोड़ फैमिलीज को हम उसके बैंक अकाउंट खोलेंगे। फिर वो टारगेट ओवर क्रॉस हो गया तो फिर बोला कि हम अब 10 करोड़ को कवर करेंगे, उसको भी क्रॉस कर दिया और अब 11.5 करोड़ लोगों फैमिलीज को इस बैंकिंग नेट के अंदर इस जनधन योजना ने कवर कर लिया है। ये पूरा काम कैसे करता है? 6 पिलर स्ट्रेटेजी से करता है। 6 पिलर हैं, उसमें से पहले दिन अभी और बाकी के दिन बाद में। जो अभी के दिन मतलब 15 अगस्त 2014 से लेके 15 अगस्त 2015 तक, फर्स्ट 3 पिलर्स क्या करेंगे कि पूरे इंडिया को सब सर्विस एरिया में हम डिवाइड करेंगे कि एक सब सर्विस एरिया के अंदर 1000 से 1500 फैमिली कवर हो जाए और उन्हें 5 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर ही बैंकिंग कोई आउटलेट मिल जाए या कोई वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एजेंट वगैरह मिल जाए ताकि उसे बैंक ट्रांजेक्शन वो कर पाए। सब सर्विस एरिया 1000 से 1500 फैमिली और 5 किलोमीटर डिस्टेंस, इस प्रकार से पूरे भारत को हमने डिवाइड करना है। सेकंड थिंग, फिर हर एक फैमिली के अंदर कम से कम एक अकाउंट खुलवाएंगे, उसके साथ हम रुपए डेबिट कार्ड देंगे, 1 लाख का इंश्योरेंस कवर और आगे भी की अगर 26 जनवरी से पहले आपने खुलवाया होगा तो 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर, 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देंगे। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके खाते में पैसे ना भी हो तो भी आप निकाल सके लेकिन वो वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। तो ये अगर आपकी गुड क्रेडिट हिस्ट्री है, नियमित रूप से आप कुछ पैसा जमा करवाते हैं वगैरह, तो 5,000 ओवरड्राफ्ट में आपको दिए जाएंगे। एंड थर्ड पिलर, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, लोगों को जागरूक किया जाएगा इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जी न्यूज के अंदर जितनी बार ब्रेक आता है तो न्यूज एंकर खुद ही अनाउंस करता है कि आप प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलवाइए, बीच में भी काफी सारी एड्स चलती रहती है। तो ये क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चल रहा है। तो ये पहले 3 पिलर्स जो अभी के लिए चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज आएगा फेज 2, उसके अंदर बाकी के 3 पिलर्स 2015 से लेके 18 तक। मैंने जो बताया कि 5,000 आपको ओवरड्राफ्ट में दिया जाएगा, ठीक, ऐसा भी हो जाएगा कि कुछ लोग उसका देसी दारू पी के फिर वापस तो फिर जो बैंक को नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, सवाल होता है। सरकार उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाएगी, ये ओवरड्राफ्ट वगैरह में अगर कोई लॉस हो गया है तो उसमें से बैंक को पैसा दिया जाएगा। सेकंड थिंग, ये जिनके भी जनधन अकाउंट खोल दिए गए उन सबको माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे। थर्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम की, आपको सब्सिडी का पैसा है, पेंशन का पैसा, ये सब हम सीधा आपके जनधन खाते के अंदर ही जमा करवाएंगे। ये बाकी के 3 पिलर नेक्स्ट फेज के अंदर चलेंगे। तो पूरा पिक्चर बना है प्रधानमंत्री जनधन योजना और इसका मोटो है मेरा भाग्य
मेरा खाता भाग्य विधाता, नीचे लोअर नॉन यूपीएससी में ये सारे भी सवाल निकलते, इसका मोटो क्या है वगैरह, तो याद करें जो सिक्स पिलर्स थे। सबसे पहला 5 किलोमीटर के अंदर ही बैंक की सुविधा, हर फैमिली के लिए एक अकाउंट, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन फर्स्ट फेज। सेकंड फेज माइक्रो इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी फंड करेंगे और पेंशन वगैरह का ट्रांसफर करेंगे। तो ये अपने सिक्स पिलर से इस प्रकार से काम चलेगा। कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं। ये जो आपको यहाँ पे कि हम आपको रुपे कार्ड की सुविधा देंगे और आपको 1 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर दिया गया है, इसमें शर्त ये है कि हर 45 डेज के अंदर आपने ये रुपे कार्ड को यूज करना पड़ेगा, तभी आपका वो 1 लाख का एक्सीडेंट कवर वो माना जाएगा। अब आप समझिए कि शहरी इलाकों में तो हम हाँ ये पेट्रोल वगैरह बनवा दिया कुछ शॉपिंग में, लेकिन अगर वो ग्रामीण इलाकों में ट्राइबल एरियाज, वहां पे तो कोई आउटलेट मिलेगा नहीं, तो वो बंदा रुपए ट्रांजेक्शन कैसे करेगा, और फिर उस कारण उसका इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस का उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, ये जो बात चली कि सब सर्विस एरिया बनाएंगे और 5 किलोमीटर के अंदर सब आपको सुविधा दी जाएगी, स्वाभाविक है हर 5 किलोमीटर में तो ब्रांच खोल नहीं सकते, तो उसके लिए ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एजेंट, ये किराने वाले और रिटायर्ड टीचर्स, इनको सब एजेंट बना देंगे बैंक और नीचे लागू करेंगे। यहाँ पे ये होगा कि इन सभी को हर एक बार जब ट्रांजेक्शन होगा पैसे का, तो 2% कमीशन मिलता है। लेकिन आरबीआई की पिछली रिपोर्ट से ये जानने को मिला है कि बहुत सारा ये लोग मिसकंडक्ट कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कि इनको तो कायदे से मिलना है, आपने अगर 100 रुपए जमा करे तो 2 रुपए इसका कमीशन, वो अपने आप कट के कहीं से मिल जाएगा उसे, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी ये गरीब आदमी को बेवकूफ बना के, तुमको लोन का पेपर प्रोसेस करवाना है तो अलग से मेरा 100 रुपए चार्ज लगेगा, कई बार तो उसके नाम से ये खुद लोन का पैसा लेके रफू चक्कर हो गए। 47% ऑफ दिस एजेंट्स आर अनट्रेसेबल। तो अब इनके मदद से अगर आप ये सर्विस एरिया और नीचे कुछ करेंगे तो इट विल कोलैप्स, ऐसा भी दहशत है। थर्ड, हवाला और ये गलत कामों के लिए हवाला के जरिए पैसों का लेन देन वगैरह कुछ हो सकता है, ये हम समझते हैं कैसे हो सकता। एक बंदा आप समझिए है राजेश कुथरपाली, ये मान लीजिए मिडिल ईस्ट में कहीं भी काम करता है, इसने अपने पेरेंट्स को पैसा भेजना है भारत में, ऑफिशियल चैनल से भी भेज सकता है, वो अपने NRI अकाउंट उसने खुलवाया वहां पे जमा कर रहा है, यहां से उन्होंने ले लिया, लेकिन उसमें फिर वो पेपर वर्क और बीच में बैंक का कमीशन वो सब ज्यादा रहता है। तो हवाला आपने सुना होगा, और हवाला तो आपके दिमाग में ये होगा कि क्रिकेट बैटिंग और ये इलेक्शन में 2 नंबर का पैसा, ऐसा नहीं है। ये लेजिट बिजनेस में भी कई सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो अपना पैसा हवाला के मार्फत वापस भेजते हैं घर। तो ये अब राजेश कुद्रपाली क्या करेगा, मान लीजिए इसने 30,000 भेजने हैं अपने पेरेंट्स को, तो उसका इक्विवेलेंट जो भी फॉरेन करेंसी है वो 30,600 रुपए वहां उनका जो भी हवाला का काम देखता है उसको दे दिए उसने, और ये बात अपना जो भी हवाला एजेंट है विनय पाठक, उसको वो फोन करके वो एड्रेस लिखवा देगा और सीक्रेट एक कोड बोल देगा। कुथरापाली यहाँ से अपने पेरेंट्स को भी वो सीक्रेट कोड बोल देगा, जब इसका आदमी आएगा पैसा इन्हें देगा, ये सीक्रेट कोड बताएंगे और फिर ट्रांजेक्शन हो गया। तो इस प्रकार हवाला में पैसा चला गया, फॉर्मल बैंकिंग चैनल या ये कुछ इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर फिर KYC नॉर्म्स वगैरह आ जाएंगे तो गलत काम होगा तो पकड़े जाएंगे। उसी प्रकार बैंक वगैरह में भी अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स वाले भी आप पे नजर रखते हैं। तो ये सारा ये डॉज कैसे करेंगे, 2 नंबर का ऑल्टरनेटिव ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे भी आप देखिए, ये अगर 30,600 इसे देगा तो ये लोग इसे देंगे केवल 30,000, भाई 600 इसका भी कमीशन, ये कोई मतलब चैरिटी तो है नहीं। लेकिन हवाला वालों का कमीशन फॉर्मल बैंक वालों की कमीशन से काफी कम, ये यहाँ पे ये कुल 2% जितना बनेगा, बैंक से आप भेजेंगे अराउंड 5% पूरा पेपर वर्क से ये करेंगे इंटरनेशनल, तो इस कारण से कई लोग हवाला से पैसा भिजवाते हैं। एनीवेज, अब सवाल होता है कि ये जनधन और इसका क्या एंगल बनेगा। आप समझिए, विनय पाठक मान लीजिए मुंबई से ऑपरेट करता है और वो किसी शिप के अंदर वो पैसा 2 नंबर का और ऐसे भेज के उसे मिल गया, और इसके पेरेंट रहते हैं दिल्ली में, तो अब ये अपना हवाला एजेंट वो रेलवे या गाड़ी से वो दिल्ली तक भेजेगा, हो सकता है बीच में पुलिस चेकिंग में वो पकड़ा जाए और पूरा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। जनधन में ये कैसे मिसयूज करेंगे, देखिए राजेश कुथरापाली ने वापस पैसा दे दिया अपने ऑपरेटर को, ऑपरेटर अब ये करवाएगा कि ये जिन कुछ आप ऐसे बकरे पकड़िए या गरीब लोग या डॉक पे काम करने वाले, हर एक का जनधन अकाउंट है, ठीक, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे मात्रा में पैसे जमा करवाए जाए, 10,000 इसके, 10,000 इसके, 10,000 इसके, और फिर ऐसे ही कुछ गुर्गे आप दिल्ली में बिठाइए कि वहां से पैसा उनके अकाउंट में चला जाए और वो पैसा निकाल के फिर उनका एजेंट जाके दिल्ली में इनको पैसा डिलीवर कर दे। तो एक प्रकार से ये क्या है, मनी म्यूल बना दिया इनको, गधों की तरह इस्तेमाल करके वो जो पूरा। तो इस प्रकार से हवाला या स्मर्फिंग या मनी लॉन्ड्रिंग या
इसमें ये जनधन का मिसयूज हो सकता है, ऐसा राजन भाई को अंदेशा है, खतरा है। ठीक है, अब सेल्फ स्टडी में क्या करेंगे? ये हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग तो जो मुख्य परीक्षा के अपने जो लेक्चर प्लान करके रखे हैं वो डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चलता है अभी आपका कई लोगों का इंटरव्यू होगा बैंक में, तो थोड़ा ख्याल रहना चाहिए, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। डिटेल में ये सेलियंट फीचर फिर जो करने हैं, ये लिंक पे आप जाइएगा, पूरा माल मिल जाएगा आपको, लेकिन वहां पे भी माइन्यूट डिटेल्स में आप ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 26 जनवरी 2015 तक अगर जनधन में खाता खुलवा दिया होगा तो आपको 30,000 का एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। ये सब ठीक है, बैंक और वहां पे पूछ सकते हैं, सीसेट में इतना ट्रिवियल कोई पूछने वाला है नहीं, तो वो रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, इग्नोर इट। रुपए कार्ड देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये बात हमेशा चलती है कि जनधन के साथ आपको रुपए कार्ड मिलेगा और वो 45 डेज में यूज नहीं करोगे तो एक्सीडेंट कवर आपका चला जाएगा। रुपए कार्ड चीज क्या है समझते हैं। इसका जो कर्ता गदर था ब्रेन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। इन्होंने ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS लागू किया है और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये दोनों चीजें इन्होंने शुरू की थी। और ये तीसरी इनकी है इन्वेंशन रुपे कार्ड। रुपे कार्ड क्या है और क्या उसकी जरूरत पड़ती है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आप समझते हैं। मैं क्लाइंट हूं और मैं मान लीजिए सैटेलाइट के अंदर जाता हूं, बहुत सारे मर्चेंट से शॉपिंग मैंने कुछ किया, शॉपिंग के बाद आपको पता होता है वो कार्ड आप स्वाइप करेंगे और फिर पर्ची निकलती है और अपने अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं वगैरह। अब आप समझिए कि हर एक बैंक हर एक मर्चेंट के साथ टाई अप करे कि हमारा ये पॉइंट ऑफ सेल का ये टर्मिनल और हमारे ये आदमी का अपना कॉन्टेक्ट पर्सन रहेगा। इस प्रकार ये बैंक तो ICICI ने भी 3 मर्चेंट के साथ टाई अप किया, उन्हीं 3 मर्चेंट के साथ SBI ने भी किया, तो ये क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा और खर्चा इनका काफी बढ़ जाएगा, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और इसमें भी SBI तो अगर चाहे तो पूरे इंडिया में कवर कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व में कवर करना हो तो आप कैसे टाई अप करेंगे? तो इनकी मदद के लिए कुछ बिचौलिए आ गए, मिडल मैन, इनको बोलते हैं पेमेंट गेटवेज। फॉर एग्जांपल मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, माएस्ट्रो, ये सब। इस कार्ड में आप देखिए ये है SBI का कार्ड, यहाँ पे नीचे लिखा है वीजा, मतलब कि ये बीच का मिडल एजेंट कौन है, ये पेमेंट गेटवे है वीजा कार्ड। अब ये वीजा कार्ड वाले क्या करेंगे, हर एक मर्चेंट के साथ उनका अपना टाई अप रहेगा पूरा सिस्टम। मैंने अपना कार्ड इसको दिया मर्चेंट को, वो स्वाइप हुआ, वीजा कार्ड के पूरे डेटाबेस में गया और वहां से जिस बैंक को लागू पड़ता है उस अकाउंट से मेरे पैसे जो भी जमा होने कट होने वो काम हो जाएगा। तो बैंक को जो हर एक के साथ टाई अप करना था वो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट वगैरह चला गया। स्वाभाविक है ये लोग बीच में ऐसा काम कर रहे हैं तो कुछ कमीशन तो मांगते होंगे। ये लोग बैंकों से 300 करोड़ हर साल कमीशन में लेते हैं ये सारी सुविधा देने के लिए। ये NPCI वाले आए, उन्होंने भी ऐसा ही सिस्टम करा है कि हम भी आपको ये पेमेंट गेटवे करते हैं, जैसा ये वीजा है, यहाँ पे देखिए रुपए है। लेकिन इन्होंने सभी बैंकों को ये बोला कि अगर आप हमारे साथ टाई अप कर ले तो वो जो भी दाम से आपको वीजा वाला ये काम करके देता है, हम 40% कम कमीशन में आपको वो पूरा काम करके देंगे। तो अभी यही काम कि मैं अपना कोई कार्ड इशू दूं, मर्चेंट वो स्वाइप करेगा, रुपए में गया और वहां से बैंक में पूरा काम चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, तो इसका ये डेबिट ATM कार्ड है, रुपए ने करवाया है। ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक तो रुपए में है। प्रोफेशनल में आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये माएस्ट्रो उसका गेटवे बना है। एक्सिस बैंक वीजा, तो इस प्रकार से चलता जाता है। तो रुपए कार्ड क्या है, टेक्निकली अगर कुछ मुख्य परीक्षा में लिखना हो, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इवन चाइना का यूनियन पे सिस्टम, टेक्निकली ये सारे हैं पेमेंट गेटवेज। और रुपए ऐसा विश्व का 7th नंबर का 7वां नया पेमेंट गेटवे है। मतलब MCQ में आपको बोला जाए कि पूरे विश्व में रुपए इज द फर्स्ट पेमेंट गेटवे इन द वर्ल्ड, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस पेमेंट गेटवे की 3 चैनल हैं, 3 तरीके से हम ये कार्ड या उसके जरिए पैसों का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट ATM, सेकंड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, वो मर्चेंट के पास आप जो कार्ड स्वाइप करवाते हैं, एंड थर्ड इज ऑनलाइन, आप ये फ्लिपकार्ट वगैरह में जाए, नंबर टाइप किया और वो SMS कोड आ गया वगैरह। 3 चैनल हैं, ATM, POS एंड ऑनलाइन। और यहां पे ऐसा नहीं कि ये रुपए वाले केवल बैंकों के साथ ही टाई अप करते हैं ना, डेयरी में किसान दूध जमा करवाते हैं तो अकाउंट बुक में कुछ लिख देते हैं और फिर क्या होता, महीने के अंत में उसको पेमेंट मिलता है। तो पंजाब में ऐसी सारी डेयरियों ने भी रुपए के साथ टाई अप किया है कि प्रीपेड उनको 1000 का 1200 का रुपए कार्ड किसान को दे देते हैं, फिर वो चाहे वहां से वो स्वाइप करा के फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह खरीद सकता है। इंडियन रेलवे ने भी ऐसे प्रीपेड रुपए कार्ड बेचना शुरू किया है, 100 रुपए का, 500 रुपए का, आपने खरीद लिया, वो नंबर टाइप करके आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। तो
तो ये सारे मतलब स्टेटमेंट में अगर आप पूछे जाए कि रुपए इज ओनली एसोसिएटेड विद बैंक्स, तो वो भी गलत है और भी लोग इसमें टाइप हो सकते हैं। अब सवाल जो आता है इंश्योरेंस वाला और पूरी बातें, जनधन में आपने खाता खुलवाया स्वाभाविक है, इंश्योरेंस का आपको फायदा मिल रहा है। अब आप समझिए, मैं अगर जाके अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाऊं तो उसका मतलब है कि अगर मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो LIC वाले मेरे पेरेंट्स को पैसा देंगे। अब ये पैसा हवा में से तो आएगा नहीं, मुझे प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार सभी लोग प्रीमियम देते हैं, वो LIC सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, पैसा बनता रहता है और जिसके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए उसे पैसा मिलता है। तो अब ये जनधन के अंदर इन लोगों को ये जो दिया जा रहा है इंश्योरेंस कवर वगैरह, उसका प्रीमियम कौन भरता है? जवाब है, ये जो 1 लाख का एक्सीडेंट कवर दिया गया है LIC के द्वारा, वो सारा पैसा वो प्रीमियम भरता है रुपए, रुपए का मालिक है NPCI। ये कि ये इतने 2 रुपए 3 रुपए हर एक के उस प्रकार से कुछ बनाया गया है। अब स्वाभाविक है ये कोई धर्मदान चल नहीं रहा है, तो NPCL क्या कंपल्सन दिया है, हर 45 डेज में एक बार तो यूज करना है। क्यों यूज करेंगे? तो इसका कमीशन बनेगा, हमने समझा वो 300 करोड़ और ये 40% लेस में, लेकिन फिर भी अगर लोग यूज करेंगे तो कमीशन बनेगा। इस कारण से ये शर्त की गई है कि लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस हाँ सही, बट यू हैव टू यूज द कार्ड एवरी 45 डेज। उसके अलावा अगर 26 जनवरी 2015 तक आपने जो जनधन खाता खुलवाया होगा, 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस भी देते थे, लेकिन इसका सारा जो प्रीमियम है वो सरकार अपनी तरफ से भरेगी। और यहां पर भी ये केवल जो गरीब लोगों और उनके लिए सुविधा है, यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर इनकम टैक्स पेयर हो, वो सब अगर जनधन में खाता खुलवा भी दिया तो ये वो लोग एलिजिबल नहीं है ये सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। बैंकिंग सेक्टर एवोल्यूशन वगैरह की बात कर ली, लाइसेंस देख लिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और क्यों करना चाहिए ये भी हमने देख लिया, जनधन योजना क्या थी देखा, रुपए कार्ड समझ लिया, स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक वगैरह। अब तो ब्रेक लेना है क्या? नहीं, ब्रेक लेते हैं, 3:30 बजे आप लोग आ जाइए, 10 मिनट का ब्रेक, और फिर ये मैं थोड़ा बड़ा ब्रेक दे और फिर दूसरी बार देंगे तो थोड़ा छोटा रहेगा। तो जो बात हम कर रहे थे आजादी से पहले बैंकिंग सेक्टर, आजादी के बाद का बैंकिंग सेक्टर, और फिर नरसिम्हन कमेटी लाइसेंस वगैरह की बात करी, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों जरूरी है, कैसे लागू किया जाए उसके बारे में किया, जनधन योजना क्या है उसके सेलियंट फीचर्स क्रिटिज्म हमने देखा, रुपए कार्ड कैसे काम करता है हम समझे। अब जो 2 टॉपिक है, स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक और किसान विकास पत्र देखते हैं। ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है अभी, ये जो हम की जनधन लाएंगे, स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक, तो ये सारा मैटर इंस्पायर्ड है नचिकेत मोर कमिटी से। ये RBI ने पहले बनाया था कि पुअर हाउसहोल्ड और स्मॉल बिजनेसमैन इनको सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करें, नचिकेत मोर कमिटी ने अपने जो रिकमेंडेशन दिए थे उससे सब इंस्पायर होके चल रहा है। फॉर एग्जांपल, ये नचिकेत मोर बोल के गए थे कि सबको एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट दे दिया जाए 2016 तक, तो ये जनधन क्या है, एक प्रकार का अकाउंट बनाया जा रहा है। इसने ये बोला था कि 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये बैंकिंग सुविधाएं होनी चाहिए, तो ये हमने देखा सब सर्विस एरिया का जो कंसेप्ट है, और 5 किलोमीटर वगैरह। तो इस प्रकार ये जो भी देख बोल के गए थे उससे इन्फ्लुएंस होके कुछ ना कुछ नए रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं। जो एक और चल रहा है, स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, ये समझते हैं। यहाँ पे भी लाइसेंस तो मंगवाए गए, उसके लिए अर्जियां मंगवाई गई है। अगर आपने रेगुलर कमर्शियल बैंक जैसे ये बंधन और IDFC आए थे, ऐसा अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो तो मिनिमम उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 500 करोड़ जब अप्लाई करना हो। अगर आपने स्मॉल बैंक या पेमेंट बैंक खोलना है तो लाइसेंस अप्लाई वो कर सकता है जिसकी कैपिटल उसके पास मिनिमम 100 करोड़ का है। यहाँ पे ये सब ये दोनों ही टाइप के बैंक्स में जो FDI के लिमिट्स रहते हैं, वोटिंग राइट, वो सारे जो अपने कमर्शियल बैंक है SBI ICICI उन सबके पैरेलल ही वो सारे रेगुलेशंस लागू होंगे। पहले ये अप्लाई करने की डेडलाइन थी 16 जनवरी, इसको एक्सटेंड करके दे दिया है 2 फरवरी तक आप अप्लाई करिए जिसको भी ये लेना है। और उसके बाद यहाँ पे भी राजन भाई अलग से एक एक्सटर्नल स्क्रीनिंग कमिटी बनाएगी, वो शॉर्टलिस्ट करेगी किन किन को लाइसेंस हम ग्रांट करेंगे। ये भी बोला गया कि स्मॉल बैंक वगैरह में अप्लाई करना हो तो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज और बिजनेस हाउसेज ये लोग यहाँ कृपया करके ना आए। तो ये दोनों ही एक प्रकार के डिफ्रेंशिएटेड बैंक है, जो रेगुलर बैंक काम करते हैं इनसे इनका काम थोड़ा अलग होगा। एक एक करके सैलियंट फीचर देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल बैंक्स, यहाँ ये डिपॉजिट दे पाएंगे, लोन डिपॉजिट आपसे लेंगे, किसी को लोन में पैसा देंगे, लेकिन एरिया ऑफ ऑपरेशन विल बी स्मॉल, कुछ जिलों तक, कुछ
पर्टिकुलर एरिया तक ही, ये ऐसा नहीं कि हर एक स्मॉल बैंक का अपना ऑल इंडिया प्रेजेंस रहेगा, ये फर्स्ट फीचर। इनका जो टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट बेस रहेगा, स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहां के वर्कर, इन सबको ये बैंकिंग की सुविधा ये लोग देंगे, इन्हें केटर करने की कोशिश करेंगे। पहले से अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी चला रहे तो आप उसको तब्दील करवा के अपना स्मॉल बैंक खोल सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आप चला रहे अगर चाहे तो उसको कन्वर्ट करवा के आप भी स्मॉल बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनियां तो आ सकती है, और साथ साथ कोई एक व्यक्ति भी, इंडिविजुअल, जिसके पास बैंकिंग या कोऑपरेटिव सेक्टर में 10 साल काम करने का अनुभव है, वो भी आके चाहे तो अप्लाई कर सकता है। शर्त इन पे ये लागू होगी कि 25% ऑफ द ब्रांचेस वो ग्रामीण इलाकों में आप रखेंगे। आपकी 50% तक की जितना भी आप लोन में पैसा घुमा रहे हैं उसका 50% घूमना चाहिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में। तो ये सारे इन पे कंपल्शन और फीचर्स लगाए गए हैं। नोटिफिकेशन दे दिया था और बोला था कि जनवरी में इस तारीख तक आप अप्लाई करना, उस डेडलाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके 2 फरवरी कर दिया। और स्वाभाविक है, ये जब नोटिफिकेशन आया तो कई लोगों ने पहले इंक्वायरी लगाई होगी कि मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है तो मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं। तो फिर परेशान होकर राजन भाई ने कुछ क्लेरिफिकेशन और दे दिए जो सवाल पे बहुत आ रहे थे। एक तो आप पे क्या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स लागू होंगे क्या? जवाब है हाँ। ये स्मॉल बैंक वालों ने भी जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जो पैसा आ रहा है और आप लोन में घुमा रहे, उसका 40% जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर, तो वो कमर्शियल बैंक को लागू होगा और यहाँ पे स्मॉल बैंक्स को भी लागू होगा। बट दे विल हैव 3 इयर्स, टुकड़ों में आप उसको कंबाइन करें, ऐसा नहीं कि आज ही बोल दिया और आज ही ये 1 साल में करना है। सेकंड थिंग, अगर आप पहले से कोऑपरेटिव बैंक चला रहे तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप अपना कोऑपरेटिव बैंक ही चलाते रहो। एनआरआई लोग भी अगर चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, बट शर्त है कि वो बैंकिंग और कोऑपरेटिव सेक्टर में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 इयर्स का। क्लस्टर प्रेफरेंस की अगर आप नॉर्थ ईस्ट के इन जिलों में मैं फोकस करूंगा, सेंट्रल इंडिया के, तो इस प्रकार के अगर कोई प्रोजेक्ट आएंगे तो उनको सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे। अगर आपको स्मॉल बैंक का लाइसेंस मिल गया तो आप उसकी अलग से नीचे सब्सिडियरी बना के और नया कुछ खड़ा नहीं कर पाओगे। ग्रामीण इलाकों में प्रेजेंस बना के रहने के लिए अगर आप चाहें तो बिजनेस कोरस्पॉन्डिंग एजेंट्स अपॉइंट करवा पाओगे, रिटायर्ड टीचर और किराने वाले को POS पकड़ा दिया और वो काम करता रहे। लेकिन स्मॉल बैंक खुद किसी अलग बड़े बैंक का बैंकिंग मतलब बिजनेस कोरस्पॉन्डिंग एजेंट बन के नीचे काम नहीं कर पाएगा, उसका अपना नेटवर्क अलग होना चाहिए। तो ये कुछ थे स्मॉल बैंक रिलेटेड सेलियंट फीचर्स। अब बात करेंगे पेमेंट बैंक की। पेमेंट बैंक को पेमेंट बैंक इसलिए बोला कि बैंक के सारे फीचर इसमें नहीं है। आप यहाँ जाके करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, हाँ, सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, हाँ, नेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी, प्रीपेड कार्ड वगैरह खोल सकते हो, हाँ, लेकिन इस बैंक के अंदर जाके आप फिक्स डिपोजिट नहीं खुलवा पाओगे, इस बैंक पे जाके आप कोई लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये इस पे लिमिटेशन दिया गया है। तो अब सवाल होता है कि बैंक अगर डिपोजिटर से करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का पैसा लिया तो बैंक चलेगा कैसे? वो तो लोन में घुमाओगे तो उसका कुछ मार्जिन बनेगा, राइट? यहाँ पे इन पे कंपल्शन ये है कि आप तो लोन में पैसा दे ही नहीं पाओगे, बट वो सारा कस्टमर का पैसा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया, आपको मिलेगा अराउंड 8% पेमेंट बैंक को मिल गया, और उसके ऊपर से वो क्लाइंट को जो देना है, करंट अकाउंट है तो 0%, सेविंग अकाउंट बना है तो 4%, और बीच में उसका मार्जिन जो भी बन गया। तो इस प्रकार से ये बैंक ऑपरेट करेगा। लोन देना इसका मकसद नहीं है, पेमेंट फैसिलिटेट करना इसका मकसद है। क्लाइंट बेस या टारगेट क्या रहेगा? गरीब लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते लोग, और माइग्रेंट्स जो किसी दूसरे राज्य से, दूसरे प्रदेश से आके काम कर रहे हैं और अपने परिजनों को वापस पैसा भेजना चाहते हैं। अगर वो चाहे तो इंडियन पोस्ट के मार्फत भी भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ कमीशन काफी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पे लगता है कमीशन, 5 रुपए अपने के लिए वो छोटी रकम है, लेकिन अगर किसी गरीब आदमी ने भेजना हो तो ऐसे सभी लोगों को आराम से कम कमीशन पे पैसा घर पे वो भेज पाएंगे। ये पेमेंट बैंक का मकसद है। हर एक क्लाइंट का मैक्सिमम ये 1 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं रख पाएंगे। आगे भी और माइन्यूट डिफरेंसेस, सेलिएंट फीचर वगैरह है, आप साइड से देख लीजिएगा। स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक की बात खत्म हुई। अब बात करते हैं किसान विकास पत्र की। एक प्रकार का स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, तो क्लासिफिकेशन जरा समझ लें। सबसे पहले शुरू हुआ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम, उसके बाद आई सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसके अंदर 3 प्रमुख थे, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट NSE, किसान विकास पत्र, जो पुराने जमाने में बिकते थे तो 100 रुपए का एक आप खरीद सकते हैं, अब जो नया है मिनिमम 1,000 रुपए का खरीदना पड़ेगा, और इंदिरा विकास पत्र। तो ये 3 चीजें हैं स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स।
और कुछ आई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, इसके क्या फीचर वगैरह अलग आर्टिकल में मैंने रखा है। किसान विकास पत्र की हमने बात करनी है, ये लागू कौन करेगा, जुरिस्डिक्शन हर एक का हमें पता होना चाहिए। किसान विकास पत्र को लागू करेगा डायरेक्टरेट ऑफ स्मॉल सेविंग्स, और नीचे ये कौन बेचेगा, अभी के लिए सारी पोस्ट ऑफिस के जरिए किसान विकास पत्र बेचे जाएंगे। आगे प्लान है कि नेशनलाइज बैंकों के जरिए भी इनका सेलिंग किया जाएगा। ये जो पैसा आपने मान लीजिए किसान विकास पत्र खरीदा, आपने पैसा दिया, तो वो पैसा सरकार फार्मर वेलफेयर स्कीम के अंदर कुछ लगाएगा। और पहले भी ये स्कीम चलता था तो करीब 8 साल के अंदर आपका पैसा डबल करके आप वोट दे देते थे सरकार। 2011 में एक कमेटी बनी, श्यामला गोपीनाथ कमेटी, इसने बोला कि किसान विकास पत्र के अंदर कुछ कौन पैसा जमा कर रहा है, एक बंदे ने दूसरे को वो ट्रांसफर कर दिया और वो आके फिर पैसा निकाल के जाता है, तो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह गलत काम भी हो सकते हैं। तो इस कारण तब की यूपीए सरकार ने किसान विकास पत्र को बंद करवा दिया। बजट 2014 में वापस जेटली ने बोला कि हम ये इसको शुरू करेंगे, और एक्चुअली शुरू किया गया नवंबर 2014 में। सेलियंट फीचर की बात करें, अगर आपने खरीदना है तो मिनिमम 1000 का खरीद सकते हैं, और फिर अलग अलग डिनोमिनेशन अप टू 50,000 का एक खरीद सकते हो, जो कागज पे लिखा रहता है 50,000। जितना इन्वेस्ट करना है आपकी मर्जी की बात, 10 लाख 20 लाख वो आप पे डिपेंड करता है। सेकंड, आपका पैसा 100 महीनों में डबल हो जाएगा, मतलब 8 साल और 4 महीने। कई क्रिटिसिज्म ये चलता है कि इसका मनी लॉन्ड्रिंग, जो श्यामला गोपीनाथ बोल के गए थे कि ये गलत कामों में यूज हो सकता है, तो सेफगार्ड रखे गए हैं। जब भी आप किसान विकास पत्र खरीदने जाए तो आपने आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना होगा। आप अपना किसान विकास पत्र किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो तब भी उस व्यक्ति ने जमा करवाना होगा अपना डिटेल्स। अगर आपने 50,000 या उससे ज्यादा के किसान विकास पत्र खरीदे तो अपना पान कार्ड नंबर कोट करना पड़ेगा। अगर आपने 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया तो वो पैसा आप कहां से लेके आए, सोर्स ऑफ इनकम भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सारे सेफगार्ड रखे हैं ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में इसका गलत प्रयोग ना हो सके। और भी बहुत सारे सेलिंग फीचर वगैरह ये हैं, इस वाले लिंक पे आप जाइएगा, वो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। मैं चाहूं तो यहाँ पे दिखा भी सकता हूं, लेकिन वो फिर मुझे बोलना ही है, उसमें समझने को कुछ है नहीं, बस रट्टा मारना है। तो लिंक से आप जो मैं आधे घंटे में बोल सकता हूं, आप 20 मिनट में वहां से पढ़ सकते हो। जो किसान विकास पत्र में भी मेजर सेलियंट फीचर आप याद कर लीजिए, और उस आर्टिकल के अंत में जितने एमसीक्यूज वो आप सॉल्व करें। बैंकिंग सेक्टर एवोल्यूशन वगैरह की बात करी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हमने देखा, जनधन योजना क्या थी, रुपए कार्ड, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक और किसान विकास पत्र। तो ये अपने जो बैंकिंग सेक्टर का एवोल्यूशन से लेके फाइनेंशियल इंक्लूजन तक का जो पहला सेगमेंट था वो यहाँ पे खत्म होता है।